हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, जो आईबीबीएस आरआरबी पीओ की जो लास्ट मंथ की सैलरी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे गाइस। अब ये डिस्कशन क्यों बनता है कि इसलिए बनता है क्योंकि जो आने वाले दिनों में आपका आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और अगस्त मंथ में आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो गाइस आज हम बात करेंगे आरआरबी पीओ की जो सैलरी है और आने वाले दिनों में आरआरबी क्लर्क की आपकी जो सैलरी स्लिप होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। अब देखो गाइस, ये हमारे एक मित्र है जो राजस्थान में पोस्टेड है गाइस, तो उनकी सैलरी स्लिप हमारे पास है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे गाइस, ठीक है। तो अब ये डिस्कशन इसलिए बेस्ट है क्योंकि जो आने वाले बच्चे हैं जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर्स है, उनके लिए एक मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा गाइस। एक बेहतरीन सैलरी आपको एक बेहतरीन जीवन देती है गाइस, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना इसमें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम बेसिक पे की। तो बेसिक पे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसकी? बेसिक पे की। तो बेसिक पे में आपका क्या होता है, इसके अंदर 36,000 आपको ये मिलते हैं गाइस, ठीक है। 36,000 रुपये आपकी इसके अंदर बेसिक पे मिलता है गाइस। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको जो डीएनएस अलाउंसेस जो आपका मिलता है ना, वो मिलता है आपका 14,817 रुपये गाइस, ठीक है। ये देखो हर स्टेट की अलग अलग हो सकती है क्योंकि आपका क्या ग्रामीण बैंक होता है, तो जो इसके हेड जो बैंक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आपकी ये ऐसा जरूरी है कि हर स्टेट में आपकी सैलरी सेम होगी गाइस, ठीक है। तो अब उसके बात करें हम तीसरा टॉपिक, तीसरा माता हमारा एच आर ए जो होता है आपका हाउस रेंट अलाउंसेस, तो ये आपको मिलता है 2,540 रुपये। अब इसके अंदर क्या है, अगर आप क्या है रूरल एरियाज में हो, ठीक है, तो ये 5% होता है आपका बेसिक पे का, ठीक है, किसका? बेसिक पे का 5% होता है। अगर आप सेमी अर्बन में हो, सेमी अर्बन एरियाज में हो आपका, तो ये आपका हो जाता है 7,750 बेसिक पे का, ठीक है। अगर आप अर्बन एरियाज में हो, जैसे कोई अर्बन एरियाज में होता है ना बैंक आपका, तो वहां आपका ये 10% हो जाता है किसका? बेसिक पे का, ठीक है। ये आपको मैंने बेसिक चीजें बता दी गाइस, ठीक है। अब बात करें हम नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं चौथी चीज की, तो चौथा हमारा आता है स्पेशल अलाउंसेस। ये आपका स्पेशल मिलता है, ठीक है, स्पेशल अलाउंसेस की बात मैं करूंगा, ठीक है, तो वो आपको मिलता है 8,340 रुपए का, ठीक है। पांचवा जो हमारा आता है वो आता है आपका फ्यूल, जो आपका फ्यूल मिलता है ना, फ्यूल अलाउंसेस, ये आपका मिलता है 720 रुपए, ठीक है। ये अलग अलग हो सकता है, किसी स्टेट में 740 है, किसी में 750 है, ठीक है। सिक्स जो हमारी चीज आती है वो आपकी आपकी आती है क्लोजिंग अलाउंसेस, मंथ के एंड में जो आपको मिलता है, जैसे क्लोजिंग हो रही है, तो वो आपका मिलता है 250 रुपए का, ठीक है। सातवीं जो चीज आती है हमारा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो आपका मिलता है ना, वो आपका मिलता है 600 रुपए का, ठीक है। अगर आपकी लोकेशन की बात करूं, लोकेशन अलाउंसेस, ये आपका वेरी करता है अलग अलग, ठीक है, तो लोकेशन अलाउंसेस जो आपका मिलता है वो मिलता है 800 रुपए का, ठीक है। और इसमें जो लास्ट एक जो आपका मिलता है वो मिलता है आपका लर्निंग अलाउंसेस, ठीक है, ये आपका कितना मिलता है, ये मिलता है आपका 850, ये भी अलग अलग हो सकता है। अब अगर मैं टोटल की अगर मैं बात करूं, तो टोटल जो आपकी सैलरी होती है ना, तो वो आपको मिलती है, अगर हम इसको ऐड करेंगे हम पूरा का पूरा, तो 64,917 रुपीज, तो एक बेहतरीन सैलरी है। आप देख सकते हो कि आरआरबी बुरा नहीं है, जो बच्चे सोचते हैं ना कि आईबीपीएस टारगेट करते हैं, नहीं, ये उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है जो एक तो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और जिनकी इंग्लिश कम है, तो आप आरआरबी पीओ और क्लर्क को टारगेट कर सकते हो। तो ये तो आपका हो गया एक सैलरी, ग्रॉस सैलरी हो गई, बट इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं, हम बात करते हैं डिडक्शन की। तो डिडक्शन में आपको मैं बता दूं डिडक्शन क्या क्या चीज का होता है, ठीक है, हम बात करते हैं डिडक्शन की, ठीक है। तो डिडक्शन की बात करें हम, तो देखो सबसे पहले आपका टीडीएस कटता है, टीडीएस कटता है, ये कितने कटता है, ये आपके अगर 2,430 रुपए, ये भी अलग अलग हो सकता है। अगर आप यूनियन के मेंबर हो, अगर आप यूनियन के मेंबर हो तो आपके 100 रुपए कटेंगे इसके, ठीक है। अब बात करते हैं एनपीएस की, तो ये होता है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, तो ये आपका कटता है 5,085 रुपये, मतलब 5,085 रुपीज आपका एनपीएस कटता है,
एनपीएस क्या होता है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम गाइस, ठीक है। तो टोटल डिडक्शन जो आपका होगा अब इसके अंदर, तो टोटल डिडक्शन कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 7615 रुपए, ये आपका टोटल डिडक्शन हो गया। अब मैं बात करूं इन हैंड आपकी जो सैलरी आती है, ठीक है, अगर मैं माइनस करूंगा, ठीक है, कितना, एक तो हमारा एक ग्रॉस सैलरी थी वो कितनी थी 64917 रुपए। अब इसमें से डिडक्शन अगर आप करोगे तो ये जो आपकी आएगी इन हैंड 57302 रुपए, मतलब ये आपकी इन हैंड सैलरी आने वाली, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं, बट अप्रोक्स अगर मैं देखूं तो 55,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी आने वाली, ठीक है। अब ये तो आपके हो गए। अब अदर अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं, सपोज आपको न्यूज़पेपर का मिलता है, तो न्यूज़पेपर का आपको कितना मिलता है, ये भी आपका क्या होता है अलग अलग हो सकता है, 200 रुपए से लेके 300 रुपए आपके मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद करूं मैं ओवर टाइम का अलाउंसेस की मैं बात करूं गाइस, ओवर टाइम अलाउंसेस की आप मैं बात करूं वो कितना मिलता है आपको, ये मिलता है 150 रुपए से लेके 200 रुपए पर आवर, ठीक है। तो ये आपके अदर अलाउंसेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक बेहतरीन सैलरी है आरआरबी पीओ की, 55,000 के आसपास आपको अप्रोक्स 55,000 के आसपास मिलने वाली सैलरी है। तो अभी से आप अपनी तैयारी को एक बढ़िया तरीके से लेके चलिए। देखो तो मैंने हर चीज का आपको डिस्कशन करा, और जो हमारा बैच भी स्टार्ट हो गया, डेली 11 बजे आपको क्लास मिलती है, ठीक है। तो वहां से अपना रीजनिंग का सिलेबस कवरअप करिए, आने वाले दिनों में क्वांट भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि बढ़िया तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, देखो बाकी आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की बात करें तो उसमें थोड़ा सा लेवल क्या होता है हाई होता है, बट अगर आप इसमें एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी आप इजिली इसको करेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये था हमारा आईबीपीएस आरआरबी पीओ सैलरी स्लिप का आज का सेशन गाइस, ठीक है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इंस्टा पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे हमारे को ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है, अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।